नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस पे। देखो हम लोग जो कि पेपर वन में सोशियोलॉजी ऑप्शन का पेपर वन जो था एस एस पांडे जी की बुक उसको कवर कर रहे थे, जिसमें देखो अभी थिंकर वाला जो टॉपिक था वो हम लोग कवर कर रहे थे। तो अभी तक हमने देखो जो कॉम्टे हैं उनको देख लिया है, दुर्खिम को देख लिया है, मैक्स वेबर जी को देख लिया है, ठीक है। तो आज से हम शुरू करेंगे कार्ल मार्क्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। तो कार्ल मार्क्स के थिंकिंग जो थिंकर है इनसे जो कि शुरुआत करेंगे, इनके क्या क्या विचार है। जैसे देखो यहाँ पे इनके कुछ सिद्धांत जो कि महत्वपूर्ण है, हर साल एक दो क्वेश्चन जो कि यहाँ से बनता ही रहता है। जैसे आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, और ऐतिहासिक भौतिकवाद का समकालीन संदर्भ क्या है, वर्ग संघर्ष जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका थ्योरी है, और अलगाव वाला जो थ्योरी इनका तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर हमेशा आपको कुछ ना कुछ इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है, और जो आपका इनका कैपिटलिज्म का विचार है मार्क्स का वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ मुख्य इनकी थ्योरी है जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक हुआ, पहला थ्योरी जो यहाँ पर एस एस पांडे जी की बुक में दिया क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब देखो जो जब हमने इस बुक को हमने पढ़ा, इस बुक को पूरा देखा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जो कुछ लिखा है, यहाँ पे देखो इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को काफ़ी जो कि विस्तृत से जो कि समझाने की कोशिश की है, और एक ही बात को जो कि काफ़ी घुमा फिरा के बाद ये करते हैं। तो यहाँ पे देखो मुख्य रूप से ये बोलते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में देखोगे तीन नियम है। पहला विपरीत की एकता एवं संघर्ष का नियम, दूसरा है इनका निषेध की निषेध का नियम, और तीसरा है यहाँ पे देखोगे तो क्या है आपका एक सेकेंड, हाँ, मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तनों का में परिवर्तन का नियम, यानी कि मात्रात्मक पहले परिवर्तन होता है तो उससे समाज में गुणात्मक परिवर्तन आता है। तो ये तीन नियम है, तीनों नियम काफ़ी जो कि इन्होंने जटिल तरीके से कह लो एस एस पांडे जी ने एक्सप्लेन किया है, जो कि ऐसे मैं अगर यहाँ पर रीडिंग करूँ वर्ड टू वर्ड तो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए इस चीज़ को मैं जो कि नोट्स के थ्रू जो कि आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखो ये नोट्स का पेज जो मैंने यहाँ पर लिंकअप कर दिया है, तो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये एक्चुअली इनका जो आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है ये क्या है और ये कहाँ से आया है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले जो भी सरेंड मैम अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पे देखो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, फटाफट से सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलो देखते हैं मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो शुरू करने से पहले मैं इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आया कहाँ से और ये किस लिए, जो कि ये क्या स्टडी करने के लिए जो कि मार्क्स ने इस तरह का सिद्धांत दिया है। तो पहले आप समझो कि ये क्यों लाया गया। तो देखो ये दरअसल समाज जो आपके कार्ल मार्क्स जी हैं वो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, जो वर्तमान में पूंजीवाद समाज अभी देखने को मिल रहा है उसका आधार क्या है, ये सब कुछ समझने और समझाने के लिए जो कि इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दिया। तो अगर सीधे सीधे एक शब्द में कहूँ तो एक तरह से जो सामाजिक परिवर्तन है, यानी जो सामाजिक परिवर्तन कैसे हो रहा है उसको वैज्ञानिक आधार पर समझने के लिए, वैज्ञानिक विधि का एक तरह से देखो एक तरह से तर्क के साथ लॉजिक के साथ जो कि समझाने के लिए जो कि प्रयत्न किया है, और इसी के संदर्भ में जो कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का इन्होंने अपना ये थ्योरी दिया है। तो आपको समझ में आया किस लिए आया, ये आपका दरअसल सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए है, किस तरह सामाजिक परिवर्तन रहा है। साथ ही अभी देखो जो वर्तमान में पूंजीवाद व्यवस्था है उसका भी एक तरह से एक कह लो उसको भी वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने प्रस्तुत किया है आपका इसी के द्वारा मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है इसके थ्रू, ठीक है। इतनी बात क्लियर किया क्यों आया। अब देखो ये जो इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार है ये इनका अपना खुद का नहीं है, इन्होंने दरअसल कुछ दो थिंकर थे, पहले हैं हीगल और दूसरे हैं फ्योरोबैक, इन दोनों के विचार जो कि अलग अलग थे। जैसे हीगल बोलते थे, हीगल का जो कि देखो द्वंद्वात्मक विचार था, और फ्योरोबैक का विचार क्या था, भौतिकवाद का विचार था। ये दो आदर्शवादी वैज्ञानिक थे जिनके अपने अलग अलग सिद्धांत थे। तो इन्होंने क्या कि इन दोनों के सिद्धांत को मर्ज करके अपने हिसाब से जो कि इसका प्रयोग किया है। तो चलो पहले समझते हैं कि इसके जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत ये क्या था, किस संदर्भ में आया था। तो जब हीगल ने अपना द्वंद्वात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो हीगल ने भी देखो जो अपने ये द्वंद्वात्मक समाज द्वंद्वात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया है इसको देखो सामाजिक परिवर्तन के ही संदर्भ में प्रस्तुत किया था। परंतु हीगल क्या बोलते हैं, जो समाज परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, विचारों में द्वंद्व उत्पन्न होने से। यानी देखो जब विचारों में द्वंद्व होगा, विचारों में संघर्ष होगा, मतलब एक विचार कुछ और कहेगा, दूसरा विचार कुछ और कहेगा, समाज जो कि दो विचारों में बढ़ जाएगा, तो इसी के थ्रू जो देखो समाज में संघर्ष की स्थिति आएगी और समाज में परिवर्तन आता है। यानी कि जब एक विचार दूसरे विचार पर हावी होने लगता है, पुराना विचार जो कि नष्ट होने लगता है, नया विचार का जन्म होने लगता है, तो इससे जो कि समाज का विकास होता है। कहने का मतलब जैसे देखो प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है, प्राचीन सामाजिक व्यवस्था से आधुनिक व्यवस्था की ओर जाने में क्या हुआ, ऑब्वियसली मतलब जब प्राचीन व्यवस्था से आधुनिक की ओर हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ समाज में द्वंद्व उत्पन्न होगा। कुछ लोग प्राचीन व्यवस्था को सही बोलेंगे, कुछ लोग आधुनिक व्यवस्था को बोलेंगे सही है। तो जिस तरह भारत में और बल्कि और हर समाज में आपको देखने को ये चीज़ मिला है, तो उसी आधार पर हीगल बोलते हैं कि अब तक जो हमारे समाज का विकास हुआ है, सामाजिक परिवर्तन है, वो किसके आधार पर हुआ है, लोगों के विचारों में परिवर्तन आया है, तो उसी आधार पर हमारे समाज में भी परिवर्तन आया है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, हीगल के विचार ये थे। अब देखो जो आपके फ्यूरोबैक है, फ्यूरोबैक बोलते हैं जो समाज का अस्तित्व है, ये बोलते हैं समाज का अस्तित्व भौतिकवाद, यानी कि अगर आपको जब तक अगर भौतिकवाद नहीं होगा तो समाज हमारा नहीं होगा। यानी समाज के लिए क्या आवश्यक है, रोटी कपड़ा मकान जैसे ये जो भौतिक चीज़ें हैं इनका होना अति आवश्यक है, इनके अभाव में जो कि समाज की संकल्पना नहीं की जाती। अब जो आपके
कार्ल मार्क्स जी है वो क्या कहते हैं, इन दोनों विचारों को जोड़कर अपनी थ्योरी देते हैं, और वो भी अपनी थ्योरी किसके संदर्भ देते हैं, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ देते हैं। तो ये दरअसल हीगल की आलोचना बोलते हैं कि दरअसल जो आप बोल रहे सामाजिक परिवर्तन, हीगल जी आप जैसे बोल रहे हो कि सामाजिक परिवर्तन होता है विचारों में द्वंद्व के कारण, ऐसा नहीं है। जो आपके कार्ल मार्क्स बोलते हैं विचारों में द्वंद्व के कारण नहीं होता है, बल्कि जो आपके भौतिक पदार्थ है इसमें जब द्वंद्व उत्पन्न होता है तब जाके जो कि सामाजिक परिवर्तन होता है। यानी कहने का मतलब, जब देखोगे एक साइड हीगल का जो आधार क्या है सामाजिक परिवर्तन का, विचारों में द्वंद्व के आधार पर बोलते हैं, जबकि जो आपके कार्ल मार्क्स है वो देखो भौतिकवाद यानी जो आपके भौतिक पदार्थ जब उसमें द्वंद्व उत्पन्न होता है तब सामाजिक परिवर्तन होता है, ऐसा कार्ल मार्क्स जी का कहना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तब देखो जैसे यहाँ पे बोलते हैं हीगल बोलते हैं कि विचार जो है वो भौतिक जगत का आधार है, लेकिन जबकि आपके कार्ल मार्क्स क्या बोलेंगे, भौतिक जगत का आधार क्या है, भौतिकवाद यानी रोटी कपड़ा मकान ये कुछ आवश्यक चीज़ें मानव की, इसके अभाव में मानव की जिंदगी ही नहीं हो सकती, संभव नहीं है, तो फिर उसके बाद मानव समाज की संकल्पना कैसे कर सकते हैं, राइट। तो यही बातें यहाँ पर होती है। तो कार्ल मार्क्स जी कहते हैं कि इसी को मर्ज करके क्या कार्ल मार्क्स जी निकालते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार निकालते हैं, यानी कि भौतिक जो भौतिक चीज़ें समाज में है इसमें जब द्वंद्व उत्पन्न होगा तो समाज में परिवर्तन होगा। अब देखो इसी चीज़ को यहाँ पर डिटेल से काफ़ी समझाया गया कि किस तरह से समाज में परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से और क्यों जो कि भौतिक पदार्थ में जो कि हमको परिवर्तन या संघर्ष देखने को मिल रहा है, यानी भौतिक चीज़ों में क्यों द्वंद्व आएगा, कैसे आएगा और कैसे समाज में ये परिवर्तन करेगा, ये चीज़ हम देखो यहाँ पर डिटेल में नीचे से देखेंगे। तब चलो इस चीज़ को समझते हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं एक बात, ये जो पूरी थ्योरी को मैंने यहाँ पे समझाया लिखा है, ये अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो थ्योरी है वो आपको इतना पूरा नहीं डिटेल में लिखना है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए इतना पूरा बता रहा हूँ, आपको लिखना क्या एक्चुअली वो मैं आपको अगले पेज पर बताऊँगा, अगले पेज में मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। तब देखो यहाँ पर जो मार्क्स का है कि द्वंद्व यानी बोलते पदार्थों में परिवर्तन से क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, ये मार्क्स कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे पदार्थों में परिवर्तन कैसे होता है, वही जो मार्क्स का तीन नियम था हमने पहले देखा था, क्या था पहला आपका विपरीत की एकता एवं संघर्ष का नियम, निषेध के निषेध का नियम, तीसरा क्या था मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन का नियम। तो इसी आधार पर देखेंगे इन तीन नियम के आधार पर मार्क्स बताते हैं कि किस तरह से पदार्थ में परिवर्तन होता है, और जब इस पदार्थ में परिवर्तन होगा तो हमारे समाज में भी परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। तो चलो हम लोग पहला अपना नियम देखते हैं, क्या विपरीत की एकता एवं संघर्ष का नियम जो इन्होंने दिया है। तो इसमें देखो कार्ल मार्क्स जी बताते हैं जो आपका भौतिक समाज है ना, जो भौतिक जगत है इसमें देखो निरंतर परिवर्तन होता रहता है और निरंतर विकास होता रहता है, ये शाश्वत सत्य है, इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि हमारे समाज में निरंतर परिवर्तन हो रहा है ये अटल सत्य है। ठीक है, ये बात तो ठीक है। फिर इन्होंने देखो बताया कि समाज में आवश्यकता के अनुरूप पहले एकता आती है, फिर समाज जो कि अपने आवश्यकता के अनुरूप ही दो भागों में बढ़ जाता है, यानी समाज में द्वंद्व होता है। अब इस बात को समझो कैसे, जैसे समझो कि कोई नया नया समाज है, ठीक है, जैसे आप देख लो जो आपका सामंतवाद समाज था, ठीक है, इतिहास हम जाते हैं सामंतवाद समाज में दो वर्ग थे, एक किसान, एक आपका जो जमींदार था वो था, एक आपका किसान वर्ग था, ठीक है, सामंतवाद में। तो अब जमींदार और किसान देखो एक दूसरे से पहले निर्भर थे, क्यों, क्योंकि जो जमींदार का खेत है वो कौन उपज उस पर उत्पन्न कर रहा है, ये किसान उत्पन्न कर रहा था, इससे जमींदार को लाभ हो रहा था और किसान को भी कुछ ना कुछ अपने परिश्रम मिल जाता था, इससे किसान को लाभ होता था, इनमें काफ़ी अच्छी जो कि पहले एकता होती थी, ये दोनों मिलजुल के काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है समाज में जो कि विचारों का में द्वंद्व आने लगा, मतलब समाज में जो कि भौतिक पदार्थ में परिवर्तन आया, भौतिक पदार्थ में परिवर्तन करने का मतलब कैसे, आप देखो कि बहुत ज़्यादा जो कि उत्पादन होने लगा, हमारा उत्पादन बढ़ गया, किसान बहुत अधिक उत्पादन करने लगा, जमींदार के पास अधिक से अधिक आप देखोगे इनकम वगैरह आने लगी, अधिक से अधिक संपत्ति हो गई, लेकिन किसानों की जो इनकम थी वो उसमें वृद्धि नहीं हुई। तो अब देखो जमींदार की इनकम में वृद्धि हो रही है लेकिन किसानों की इनकम वृद्धि नहीं हो रही, बल्कि किसानों का शोषण बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह की जब स्थिति उत्पन्न हुई तो समाज दो भागों में बढ़ गया, यानी समाज का विचार जो कि दो भागों में बढ़ गया, एक वर्ग जो था किसान का वर्ग था, ये जो कि अपने हित के बारे में सोचने लगे, दूसरा था जमींदार वर्ग था जो कि अपने हित के बारे में सोचने लगे, हमको अधिक से अधिक धन कमाना है, जबकि किसान सोचते थे कि हमको हमारा हक का पैसा चाहिए, हमको शोषण नहीं झेलना। तो ये इस आधार पर देखोगे तो समाज में पहले क्या हुआ, एकता आया था, फिर उसका समाज दो भागों में बट गया, क्यों, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे जो उत्पादन साधन था उसमें देखो उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ गया और इससे देखो लोगों में लालच भी आने लगी और लोगों का शोषण भी होने लगा। तो वही कह रहा है कि आर्थिक आधार पर देखो क्या होगा, आर्थिक आधार के कारण ही जो कि समाज जो कि दो भागों में बट गया, यानी लोगों के जो भाव है, विचार है, या फिर उनके जो कह लो जो उनके लोभ है उसमें हमको बढ़ोतरी देखने को मिली, इसी कारण जो कि समाज दो भागों में बट गया। तो पहला जो समाज होता है, जो पहला भाग होता है समाज का, वो यथास्थिति पे बल देता है, जबकि दूसरा बोलता है परिवर्तन में बल देता है, यानी जो आपका सामंतवादी समाज में देखोगे जो पूंजीवाद हो, जो आपके जमींदार होंगे वो बोलेंगे नहीं ठीक है जैसे चला चलने दो, थोड़ा बहुत शोषण हो रहा है तो होने दो, कोई बात नहीं हमारा फायदा तो हो रहा है। लेकिन जो आपके जो किसान होंगे वो बोलेंगे नहीं नहीं सर, ये तो हमारा शोषण हो रहा है, हम इस तरह की चीज़ें नहीं सहेंगे, इसमें हम परिवर्तन करेंगे, जमींदारी प्रथा अब नहीं चलेगी, जमींदारी प्रथा को बैन कीजिए। यानी एक तरह से एक जो कि परिवर्तन पर बल दे रहा है, एक यथास्थिति पर बल दे रहा है, तो इससे क्या हो रहा है समाज में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो
ये जो आपका समाज में स्थिति, देखो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो ये आपका जो पहला नियम कहता है विपरीत की एकता एवं संघर्ष का नियम, ये क्या बताता है कि समाज में कैसे द्वंद्व की स्थिति हमको देखने को मिलती है आर्थिक आधार पर यानी अर्थव्यवस्था के आधार पर। तो ये हमने पहला नियम समझ लिया। फिर दूसरा नियम देखो क्या है, निषेध के निषेध का नियम। अब ये निषेध के निषेध का नियम क्यों आया, ये देखो अनवरत जो सामाजिक विकास हो यानी लगातार जो सामाजिक विकास आ रहा है उसके संदर्भ में जो कि ये चीज़ें लाई गई। अब कैसे यहाँ पर समझो, तो जैसे देखो ये जो आपका निषेध का निषेध नियम है, यहाँ पे देखो दो बार निषेध आया, ये ध्यान रखना, अभी मैं आपको बताऊंगा ये दो बार निषेध क्यों आया। तो ये देखो बताते हैं कि समाज का जो इतिहास है, चाहे वो प्राचीन उसमें देखोगे तो प्राचीन व्यवस्था में नवीन व्यवस्था के विरोध की एक श्रृंखला रही है। तो कार्ल मार्क्स बताते जो समाज का अब इतिहास देखोगे तो उसमें जो प्राचीन व्यवस्था है उसमें नवीन व्यवस्था का हमेशा विरोध हुआ है, यानी जो प्राचीन समाज है उसने नवीनता को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने नवीनता का हमेशा पहले विरोध किया। ये हमेशा इस तरह का हमको हमारा इतिहास देखने को मिलता है सामाजिक इतिहास। तो यहाँ देखो बताया जाए कि पूंजीवाद समाज सामंतवादी समाज का निषेध, यानी देखो जो आपको जो पूंजीवादी समाज ये किसका परिणाम है, ये सामंतवादी समाज का निषेध का ही तो परिणाम है। यानी कि पहले इसने क्या किया, जो सामंतवादी चीजें थी, सामंतवादी समाज में जो खराब चीजें थी, जो सामंतवादी चीजों सामंतवादी समाज में शोषण कर रहा था उसकी चीजों को खत्म करने की बात की गई और बोला कि नए समाज का विकास होगा, इससे पूंजीवादी समाज आएगा। यहां पर अत्यधिक उत्पादन हुआ जिससे पूंजीवादी समाज का निर्माण हो गया। यानी कि ये क्या हुआ, ये सामंतवादी समाज की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए जो कि पूंजीवादी समस्या यानी कि मशीनीकरण औद्योगिकरण पर बल देने लगा। तो यानी एक तरह से ये जो पूंजीवादी व्यवस्था ये क्या कर रहा है, सामंतवादी व्यवस्था का निषेध कर रहा है। ठीक है, अब देखो यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्राचीन है उसको समाप्त करके नवीन का उदय की बात की जाए, यानी जो प्राचीन समाज है उसकी समाप्त की जाए और नवीन समाज के उदय की बात की जाए। हो सकता है इस नवीन समाज में प्राचीन समाज के कुछ तत्व सम्मिलित हो लेकिन पूरी तरह से प्राचीन समाज अब ये नहीं रहेगा, इसमें कुछ ना कुछ नवीनता आ गई है, इसमें कुछ ना कुछ नयापन आ गया है, अभी ये एक नया समाज पूर्णतः हो गया है। तो इस तरह से बात किया जाए, यानी कि ये जो कि पुराने जो समाज है उसका निषेध करा है, उसकी उसको जो एक्सेप्ट नहीं करा और नए समाज को जो कि एक्सेप्ट करने की बात करा है। तो ये पहला निषेध हुआ, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। फिर दूसरा निषेध कब आता है, तो जब बोलता है यहाँ पे कि जब मान लो कोई समाज, यहाँ पे आप एग्जांपल समझो, ये यहाँ पे देखो एग्जांपल, देखो पहले सामंतवादी समाज था, यहाँ पर आर्थिक विकास हुआ, आर्थिक विकास से जो कि पूंजीवादी समाज की नींव पड़ गई, यहाँ पे अब देखो मशीनीकरण हो गया, राइट। अब मशीनीकरण हो गया तो इसने क्या किया, जो पूंजीवादी समाज जो धीरे धीरे पनप रहा था इसने जो कि देखो सामंतवादी जो समाज था उसको निषेध किया, उसका जो कि एक्सेप्ट करना अस्वीकार करना शुरू कर दिया, बोला कि इसको हम छोड़ते हैं और नए समाज की ओर अग्रसर चलते। तो ये यहाँ पे पहला निषेध हुआ। अब देखो जब ये पूंजीवाद समाज है ये भी तो कभी ना कभी क्लाइमेक्स पे आएगा अपने विकास के, ये भी बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा, फिर इसमें भी जैसे मैंने पहला हमने नियम देखा था इसमें भी द्वंद आएगा, दो विचार हो जाएंगे समाज में किसी बात को लेकर, दो विचार पर बढ़ जाएगा समाज और जो कि एक नया समाज आएगा। ठीक है, यानी इस पूंजीवाद समाज का भी फिर से जो कि क्लाइमेक्स आएगा, ये भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, फिर इसमें कुछ ना कुछ द्वंद आएगा, तो फिर लोग जो कि यहाँ के लोग क्या कहेंगे, इस समाज को भी अब हम स्वीकार नहीं करेंगे, अब इससे इसका जो डेवलप्ड रूप होगा इसका और जो सुधारात्मक समाज होगा उसको स्वीकार करेंगे, जो कि जो आपके कार्ल मार्क्स जी वो क्या बोलते हैं, वो साम्यवाद समाज होगा। ठीक है, यानी पूंजीवाद समाज के बाद जो कौन सा समाज आएगा, साम्यवाद समाज आएगा। यानी अब इस साम्यवाद समाज का नींव कैसे, किस आधार पर, इस पूंजीवाद के निषेध के आधार पर तो ही है। तो यानी यहाँ पर जो जैसे हमने देखा पहले कि पूंजीवाद का आधार क्या था, सामंतवाद समाज का निषेध करके ही पूंजीवाद समाज का आधार बना था, उसी तरह पूंजीवाद समाज का भी अब निषेध करके साम्यवाद समाज का आधार बनेगा। मतलब ऐसे ये विकास चल रहा है, फिर साम्यवाद समाज भी जब अपने क्लाइमेक्स पर जाएगा फिर यहाँ पर भी किसी न किसी बात को लेकर द्वंद आएगा, फिर आगे ऐसे समाज चलता रहेगा। यानी इतिहास का विकास या फिर आप कह लो समाज का जो विकास ऐसे क्रमवत लगातार चलता रहेगा। देखो हमने पहले क्या पढ़ा था, जो सामाजिक इतिहास जो विकास है वो अनवरत है, ठीक है, वो कंटिन्यू चलती रहती है, उसका कोई अंत नहीं है। तो इसी तरह बता कि एक समाज से दूसरे समाज का विकास चलता जा रहा है, इसी को बोला जाए कि पहले एक समाज में निषेध हुआ उसके आधार पर नया समाज आया, फिर ये समाज भी जब पूरा डेवलप हो जाएगा पूरा विकसित हो जाएगा तो इसका भी निषेध होने लगेगा, लोग इसका भी विरोध करेंगे और नए व्यवस्था का स्थापना की बात करेंगे। तो यही बोला कि निषेध के निषेध का नियम है यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो ये डायग्राम देखिएगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यही निषेध का नियम है, जहाँ पर प्राचीन व्यवस्था जो कि धीरे धीरे खत्म हो जाती है और नए समाज की स्थापना होती है, फिर नया समाज फिर प्राचीन धीरे धीरे होने लगता है, फिर उससे और एक नए समाज या एक कल उससे और सुधारात्मक और उससे अच्छा समाज की स्थापना होने पर बल दिया जाता है। तो ये रहा इनका निषेध का निषेध नियम। अभी तक हमने देखा पहले नियम से कि कैसे समाज में संघर्ष हो रहा है, दूसरे नियम से देखा कि कैसे दूसरे समाज में जाने की बात की जा रही है। ठीक है, अब थर्ड इनका जो नियम है कि समाज में कैसे परिवर्तन आता है, तो उसमें इन्होंने बताया क्या, मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन का नियम। अब ये नियम क्या बताता है कि सामाजिक व्यवस्था में कैसे परिवर्तन हो रहा है। मान लो अभी तो समाज का हम लोग देख रहे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन समाज में बहुत सारे संस्थागत साधन थे, समाज के जैसे धर्म है, ठीक है, फैमिली है, परिवार है,
ठीक है, जाति व्यवस्था है, ये सब चीज़ें हैं। तो अब इसमें भी तो परिवर्तन आएगा, जब समाज में परिवर्तन होगा ऑब्वियसली बात है बिल्कुल परिवर्तन आएगा। तो वही बात बोला जा रहा है कि यानी कि जो सामाजिक व्यवस्था इसमें परिवर्तन, थर्ड इनकी जो नियम है मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन का नियम, इसमें क्या देखा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था में कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो ये बोलते हैं जब ये दोनों परिवर्तन हो जाएंगे, यानी पहले वर्ग और संघर्ष की स्थिति बन जाएगी, फिर समाज का जो कि परिवर्तन होने लगेगा, एक समाज से दूसरे समाज में हम ट्रांसफर करने लगेंगे, तो समाज में जो मात्रात्मक, पहले क्या होगा, पहले मात्रात्मक परिवर्तन होगा यानी क्वांटिटी में चीज़ें परिवर्तन होंगी, फिर उसके बाद समाज के गुणात्मक परिवर्तन भी हमको देखने को मिलेगी। देखो तो यहाँ कहा जा रहा है मार्क्स परिवर्तन, जो कार्ल मार्क्स बताते हैं, परिवर्तन सरल व क्रमिक ना होकर मात्रात्मक होता है, जो सदैव सरल से जटिल की ओर होता है। यानी जो हमारा परिवर्तन है वो देखो यहाँ बताने कि क्रमिक या सरल नहीं है, वो हमेशा सरल से जटिल की ओर होता रहता है। तो जब इस जब देखो जब कोई परिवर्तन सरल से जटिल की ओर होगा तो इससे मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन भी होगा। यानी जब अब देखो कोई चीज़ है, पहले प्राचीन समाज था सरल समाज था, जैसा हमारे वो इमाइल दुखिम जी बताते थे, फिर सरल समाज से जटिल समाज का विकास हुआ है श्रम विभाजन के आधार पर, ठीक है, ऐसा दुखिम जी कहते हैं। ये एग्जांपल आप देख लो, तो यानी सरल समाज से अगर हम जटिल समाज की ओर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ समाज में परिवर्तन तो हुआ ही होगा, समाज के गुणों में परिवर्तन आएगा, समाज में मात्राओं में परिवर्तन आया होगा, तभी तो ये जटिल समाज आया। तो वही यहाँ पर कहा जाए कि मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन होगा तभी जो कि सरल समाज से जटिल समाज की ओर हम अग्रसर होंगे। तो यही इनका जो कि मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन का सिद्धांत है। तो ये तीनों सिद्धांत मिलकर एक नए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, हीगल का भौतिक द्वंद्वात्मक विचार, यानी भौतिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद करने का मतलब जो आपका भौतिक पदार्थ है या भौतिक समाज की जो भौतिक चीज़ें हैं इनमें जब परिवर्तन होगा तो ऑब्वियसली बात है समाज में परिवर्तन होगा, यही इनका कार्ल मार्क्स का मुख्य रूप से कहना है। अब देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, आपको ये सब अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ये सब नहीं लिखना है। इसकी देखो कुछ विशेषताएँ हैं, यानी आपका जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विशेषता है वो आपको एग्जाम में लिखना है अगर आपके एग्जाम में आता है। अब क्या क्या विशेषताएँ यहाँ पर आप लोग देख लो, यहाँ पर मैंने आपको डिटेल से लिख दिया। तो पहला यहाँ पर पॉइंट बोला जा रहा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विशेषता में कि जो प्रकृति की सभी वस्तु, एक तरह से देखो जो ये सिद्धांत है उसका हम लोग निष्कर्ष निकाल लें, कंक्लूजन निकाल लें कि एक्चुअली जो मार्क्स है वो क्या बताना चाहते थे अपने इस सिद्धांत से। तो यहाँ बताया जाए प्रकृति की सभी वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर, यानी एक चीज़ में परिवर्तन होगा तो ऑब्वियस दूसरे चीज़ में भी परिवर्तन होगा, उससे तीसरे चीज़ में भी परिवर्तन होगा। यानी प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी एक दूसरे पर निर्भर, यानी अगर अर्थव्यवस्था समाज का आधार अगर अर्थव्यवस्था है तो अगर अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा तो समाज के सभी और अन्य जो भाग है या संस्था है उसमें भी परिवर्तन होगा, जिससे सामाजिक परिवर्तन उनको देखने को मिलेगा। तो पहला कंक्लूजन तो ये निकलता है। दूसरा कंक्लूजन निकलता है कि भौतिक पदार्थ गतिमान है, विकास में पुरानी चीज़ें नष्ट होती रहती हैं और वह नई चीज़ें उत्पन्न होती रहती हैं। यानी जैसे हमने देखा कि जो आपका हमारा जो सामाजिक विकास है उसमें जो है कि देखोगे तो आपका जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था है या परंपरा है वो कुछ ना कुछ चीज़ें नष्ट हो जाती है पुरानी चीज़ें, और नई चीज़ों का जो कि जन्म होता रहता है। तो इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलती रहती है, राइट। लेकिन अब यहाँ पर देखो यही एक तरह से इसकी विशेषता हो गई है आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की। अब देखो थर्ड विशेषता यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वस्तु में परिवर्तन उनके परस्पर विरोध के कारण होता है, यह परिवर्तन मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन की ओर होता है। यानी देखो जो समाज में परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहला विरोध होता है, यानी दो विचार आ जाते हैं, दो बातें आ जाती है, दो तरह के लोग हो जाते हैं, पहला एक होता है जो परिवर्तन चाहता है, दूसरा होता है जो परिवर्तन नहीं चाहता है। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, इससे इसके कारण जो कि समाज में द्वंद्व की स्थिति होता है, जिससे देखोगे मात्रात्मक से गुणात्मक समाज में परिवर्तन को देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट देखो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में बताया जा रहा है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है, यानी कि जो जगत में परिवर्तन है या समाज के जो विकास है उसको किस आधार पर बताता है, ये आर्थिक तत्वों यानी भौतिकवाद के आधार पर जो कि इसकी व्याख्या करता है। तो ये मुख्य इसकी विशेषताएं हैं, आपको इसी इन्हीं सबको अगर जब भी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पे आएगा तो यही चार पांच विशेषताएं लेकर लिखना है। अगर आप बहुत चाहते हो तो वो जो उनका नियम था वहाँ पे तीन नियम थे, उन तीनों नियम के नाम भी लिख सकते हो, और साथ ही ये एक आप डायग्राम बना देना, इसी आधार पर विभिन्न सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत देखा जा सकता है। जैसे देखो सामंतवाद से पूंजीवाद, पूंजीवाद से साम्यवाद, यही बात यहाँ पे बताया जाता है। साथ ही मार्क्स बोलते हैं जो पूंजीवाद समाज है इसमें देखो सर्वहारा क्रांति होगा, यानी जो सर्वहारा वर्ग होगा वो क्रांति करेगा, जिससे पूंजीवाद जो कि नष्ट हो जाएगा और साम्यवाद समाज हमको देखने को मिलेगा, जो कि आपका कैसा होगा, साम्यवाद समाज वर्गविहीन समाज होगा, यानी यहाँ पर कोई वर्ग नहीं होगा, जिससे कोई संघर्ष नहीं होगा। तो इस तरह की बातें जो कि मार्क्स बताते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनकी कुछ आलोचना भी की जाती है, आलोचना भी देख लेते हैं। ऑब्वियसली बात है अगर आप क्वेश्चन आता है तो आपको आलोचना भी लिखना है। देखो तो पहला आलोचना क्या कहा जा रहा है कि इनकी जो धारणा है वो असंगतपूर्ण है। कैसे धारणा है, ये बोलते हैं कि एक और मजदूरों को एक होने की बात करते हैं तो दूसरी ओर संसार के परिवर्तन का अंतर विरोधों का परिणाम मानते हैं। यानी कि एक तरफ देखो ये एक तरफ से एकता की बात करते हैं, जो मजदूर हैं वो बोलते हैं कि मजदूरों में एकता आएगा, वो जो कि एक होकर जो कि संगठित होकर क्रांति करेंगे। एक तरफ एकता की बात करें, दूसरी ओर जो कि ये बोलते हैं कि समाज में जो भी परिवर्तन होता है वो अंतर विरोधों का परिणाम होता है। यानी एक तरफ एकता, दूसरी तरफ परिवर्तन, की दोनों की बात करते हैं, जो एक तरह से असंगतपूर्ण धारणा इनकी लगती है,
दूसरी बात देखो, इनकी आलोचना क्या की जाती है कि समस्त परिवर्तन का कारण और कारण या फिर आधार कह लो, इन्होंने क्या बताया, भौतिक पदार्थ ही बताया, और ये जो अन्य कारक हैं उनकी जो कि व्याख्या नहीं करते, उनकी उपेक्षा करते। जैसे वेबर बोलते हैं कि सामाजिक परिवर्तन कारण क्या है, धर्म है, धर्म के जो सिद्धांत है उसी के आधार पर जो कि समाज में परिवर्तन आता है। लेकिन ये जो कि धर्म और जो भी सामाजिक अन्य अंग है उनका जो कि जो योगदान है उसका जो कि उपेक्षा करते थे, इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। थर्ड देखो, बोला जा रहा है यहाँ पे कि विकास के हमेशा क्रांति हो यह आवश्यक नहीं, यानी कि विकास के लिए जरूरी नहीं, देखो जब समाज का विकास हो रहा है तो जरूरी नहीं कि हर विकास का जो जो समाज का विकास होगा वो क्रांति से ही होगा, कई विकास जो कि शांतिपूर्ण परिवर्तन से भी हो जाते हैं। जैसा कि आप देख लो, जिसमें देखो भारतीय समाज का देखोगे आर्थिक रिफॉर्म हुआ, तो भारतीय समाज देखो समाजवादी जो समाज का स्वरूप था थोड़ा सा, तो वो जो कि पूंजीवाद समाज की ओर चला गया। तो यहाँ पर जो कुछ क्रांति वगैरह तो हुआ नहीं, 1991 का रिफॉर्म जस्ट हुआ, आर्थिक व्यवस्था में रिफॉर्म हुआ, जिससे जो कि हमारे समाज में जो कि डेवलपमेंट देखने को मिला। यानी इन्होंने जो बोला कि हमेशा जो कि क्रांति के साथ ही जो कि ये सामाजिक परिवर्तन की बात करते, यह बात पूरी तरह से सत्य प्रतीत नहीं होती है, इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। साथ ही देखो लास्ट इनकी आलोचना की जाती है, मार्क्स इतिहास को उत्तरोत्तर उन्नति के रूप में देखते हैं परंतु इतिहास उत्थान व पतन दोनों का समावेश है। देखो मार्क्स क्या बोलते हैं, जैसे इतिहास में अगर समाज का जो इतिहास है वो कंटिन्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे समाज में जो कि सुधार हमको देखने को मिलेगा, समाज और प्रगति की ओर चला जाएगा। लेकिन इतिहासवादी जितने वो बोलते हैं इतिहास दरअसल केवल हमेशा उन्नति का मतलब उत्तरोत्तर उन्नति होता है ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें उत्थान और पतन दोनों देखने को मिलता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखोगे पतन का इतिहास में, तो हमारी जो सिंधु सभ्यता है देखो पहले कितनी डेवलप्ड, हमारी 2000 वर्ष पूर्व हमारी सभ्यता कितनी डेवलप्ड थी सिंधु सभ्यता के रूप में, लेकिन सिंधु सभ्यता का नष्ट हो गया, उसके बाद जो कि हमारी सभ्यता फिर से विकास हुई, तो फिर से हम जो कि पुराने जो कि वही कृषि पर आ गए, मतलब शहरों से फिर नगरीकरण से फिर से कृषि ग्रामीण समाज में आ गए। यानी कि हमारे समाज का देखोगे जो पतन भी हमको इतिहास में देखने को मिलता है। तो लेकिन जो आपके दुर्खी में वो बोलते हैं पतन नहीं होता, इतिहास देखोगे वो उत्तरोत्तर उन्नति के रूप में इन्होंने देखा है। तो ये 3-4 पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इनके आलोचना का विषय बनते हैं। तो यहीं पर ये पूरा आपका टॉपिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।